नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान राजेश में। आज के इस वीडियो में हम आपको पांच ऐसे मेडिकल डिप्लोमा कोर्स के बारे में बताएंगे जो आप हाई स्कूल पास होने के बाद बहुत ही इजीली कर सकते हैं और आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मेडिकल क्षेत्र में कैरियर बनाने के नाम से डर जाते हैं, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र में वो सोचते हैं कि बहुत अधिक पैसा लगता है। मगर ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी कोर्स हैं जो कि आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कम पैसे में हो सकते हैं। इनके लिए बस आपको हाई स्कूल की परीक्षा पास करनी है, उसके बाद इसमें सीधे एडमिशन ले लेना है। तो चलिए हम आपको वीडियो में बताते हैं कि वो कौन से पांच ऐसे डिप्लोमा हैं जो आप करके मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है डिप्लोमा इन हॉस्पिटल असिस्टेंट। तो इस कोर्स को करने के बाद आप हॉस्पिटल में आसानी से जॉब पा सकते हैं। इसका मुख्य काम होता है ओपीडी में मरीजों को अटेंड करना, उनकी बीपी टेम्परेचर चेक करना और इसके साथ ही ओपीडी का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना हॉस्पिटल असिस्टेंट का काम होता है। आपने देखा होगा जब कभी भी डॉक्टर के पास गए होंगे तो देखे होंगे डॉक्टर के साथ एक असिस्टेंट बैठे रहते हैं और वो पूरा रिकॉर्ड तैयार करते हैं पेशेंट का और पेशेंट की रेगुलर जो जांचें होती हैं वो करते हैं। दूसरा है पैरामेडिक नर्सिंग, डिप्लोमा इन पैरामेडिक नर्सिंग। आजकल पैरामेडिक नर्सिंग की भी बहुत तेजी से मांग बढ़ रही है, क्योंकि ये लोग हॉस्पिटल में भर्ती पेशेंट का कार्यभार संभालते हैं। ये जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं उनका रिकॉर्ड तैयार करते हैं, उनकी टेस्ट, उनकी जितनी जांचें होती हैं उनकी सारी रिपोर्ट अपने पास तैयार रखते हैं। इन्हें वार्ड इंचार्ज भी कहा जाता है। पैरामेडिक नर्सिंग का मुख्य काम होता है हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की देखभाल करना और उनका रिकॉर्ड पूरी तरह से मेंटेन करके रखना होता है। जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने जाते हैं तो उनके साथ ही लोग रिकॉर्ड को भी अपने पास रखते हैं, जिससे कि उस समय वो डॉक्टर को दिखा सके। तो इनका मुख्य काम होता है हॉस्पिटल में भर्ती पेशेंटों का रिकॉर्ड तैयार करना तथा उनकी प्राथमिक चिकित्सा करना और उनका देखभाल करना होता है। तो तीसरा है पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन। कौन नहीं जानता कि आजकल लैब टेक्नीशियन की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि हर बीमारी की जांच की जाती है। बिना जांच के कोई भी डॉक्टर किसी भी बीमारी के लिए दवा नहीं देता है, इसलिए लैब टेक्नीशियन का मुख्य काम होता है ब्लड टेस्ट, ब्लड सैंपल लेके ब्लड की जांच करना और उस जांच को डॉक्टर को दिखाना होता है। इसलिए आपके लिए यह बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। इसको करने के बाद अपना खुद का पैथोलॉजी आप खोल सकते हैं और हॉस्पिटल में भी जा पा सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में अलग से पैथोलॉजी सेंटर बना होता है, उसमें आप जॉब आसानी से पा सकते हैं। इसकी सैलरी भी 10 से 15 हज़ार शुरुआत में आसानी से मिल सकती है। मतलब कुल मिला के आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि लैब टेक्नीशियन हर हॉस्पिटल के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चौथा है डिप्लोमा इन नर्सिंग असिस्टेंट। डिप्लोमा इन नर्सिंग असिस्टेंट का भी बहुत तेजी से डिमांड हो रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में इनकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट हॉस्पिटल तक नर्सिंग सहायकों के जरिए मरीज की देखभाल की जाती है। वार्ड से लेके आईसीयू तक इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ ही ऑपरेशन थिएटर में भी इनकी भूमिका होती है, इसलिए इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। इसमें भी आप अगर इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा और आप अपना कैरियर सेट कर सकते हैं केवल 10th के बाद। इस वीडियो में हम 10th के बाद होने वाले मेडिकल डिप्लोमा के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां से आप अपने लिए एक बेहतरीन कैरियर चूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर डिप्लोमा इन नर्सिंग असिस्टेंट अगर आप कर लेते हैं तो इनका काम होता है हॉस्पिटल नर्सिंग होम में डॉक्टर और मरीज की हेल्प करना, सारे इक्विपमेंट उनके पास अवेलेबल कराना होता है। पांचवा है डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर। डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर में आपको बहुत सारी जॉब की संभावनाएं मिल जाती हैं, क्योंकि अगर इस डिप्लोमा को आप कर लेते हैं तो आप गांव के डॉक्टर कहे जाते हैं। डिप्लोमा को करने के बाद आप गांव में इमरजेंसी चिकित्सा के लिए प्राथमिक चिकित्सा आसानी से
कर सकते हैं, उसके बाद पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। इसके साथ ही लोगों को जो बहुत सारी संक्रामक बीमारियां फैलती हैं उनके बारे में जागरूक करना होता है, और बुजुर्गों की देखभाल करना, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना रूरल हेल्थ केयर का मुख्य काम होता है। इसके साथ ही रूरल हेल्थ केयर के लोग डिप्लोमा करने के बाद परिवार नियोजन और साफ सफाई के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। मतलब कुल मिला के सभी प्रकार की मेडिकल हेल्प के बारे में गांव के लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि गांव में होता क्या है कि हॉस्पिटल जो बड़े बड़े होते हैं गांवों से दूर होते हैं, तो उनके गांव में ही एक रूरल हेल्थ केयर की जरूरत पड़ती है जो कि उनकी प्राथमिक चिकित्सा कर सके, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाके शिफ्ट करवा सके। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना करियर मेडिकल क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो इनमें से कोई एक डिप्लोमा करके आप अपना मेडिकल क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। इन डिप्लोमा को आप 10th पास होने के बाद भी आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर और भी आप जानकारी चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपके पास पैसा कम है, तो इन छोटे मोटे डिप्लोमा को करके आप मेडिकल क्षेत्र में आसानी से जा पा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।